Namaskar. So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि कोई भी आपके पास odd positive integer है तो उसे हम या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इसमें या फिर इसमें. पहले देखते हैं कि मेरे पास जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन. पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू सो ऑन. इनमें से हमें चाहिए ओड पॉजिटिव इंटीजर. ओड पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन. तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे हम 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 की फॉर्म में लिख सकते हैं. Let A be any, अभी हम फिलहाल पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं. पॉजिटिव इंटीजर है तो A की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4 एंड B इज इक्वल टू ले रहे हैं 6. बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए को लिखा जा सकता है बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में और बी की वैल्यू है यहाँ 6. 6q+r की फॉर्म में और आर की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेके <6. तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर ए को लिखा जा सकता है 6q+0 क्योंकि मेरे पास r की वैल्यू यहाँ लाई कर रही है तो r की पॉसिबल वैल्यूज हैं मेरे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो a को लिखा जा सकता है 6q+1 या फिर a को लिखा जा सकता है 6q+2 या फिर a को लिखा जा सकता है 6q+3 या फिर a को हम लिख सकते हैं 6q+4 या फिर a को लिख सकते हैं 6q+5. इनमें से क्लियरली इस वाले नंबर में से 2 कॉमन आ रहा है तो ये इवन नंबर बनेगा. इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, इवन नंबर बनेगा. ये वाला नंबर भी आपके पास एक इवन नंबर है तो मेरे पास ये नंबर्स ओड बचेंगे. Hence, any positive odd integer can be written as 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.